हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रतिभा। मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ। आटा गूंदना सबको बहुत ही झंझट का काम लगता है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप मिक्सी में बहुत ही कम समय में बहुत सारा आटा गूंद सकते हैं। आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी है, लाइक बर्थडे पार्टी है या कोई वैसे पार्टी है छोटी सी, तो आप उसमें 2 से 3 किलो आटा इस तरह से बहुत ही आसानी से गूंद सकते हैं, जिसमें आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। मिक्सी में आटा गूंदने के लिए हमने यहाँ पर मिक्सी का जो मीडियम वाला जार होता है वो लिया हुआ है। छोटा वाला नहीं लेना है और ज़्यादा बड़ा वाला भी जो जूस वाला आता है वो नहीं लेना है। इसमें हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, 1 बड़ा चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। इससे जो रोटियां बनती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। आप चाहें तो बिना तेल या नमक के भी आटा तैयार कर सकते हैं। अब जितना हमने आटा लिया था उसका हमें आधा पानी डालना है, तो मैंने यहाँ पर 1 कप आटा लिया हुआ है, तो इसमें मैं आधा कप पानी डाल दूंगी। बार बार आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम ढक्कन बंद करेंगे और इसे रुक रुक कर पीसेंगे, यानी चलाएंगे, फिर 2 सेकंड बाद रुका देंगे, फिर चलाएंगे। इस तरह से लगभग 15 से 20 सेकंड तक ही आपको इसे इस तरह से घुमाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आटा कितने अच्छे से बाइंड हो गया है और पानी भी बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि सॉफ्ट आटा लगा हुआ है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना नरम है। फिर से हम इसे ढक्कन बंद करके 15 से 20 सेकंड के लिए और चला लेंगे। बस इतने ही कम समय में ये आटा अच्छे से बाइंड हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 15-20 सेकेंड और चलाया हुआ है और आप देख सकते हैं आटा कितने अच्छे से बाइंड हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे और इस तरह से मैंने इतना आटा लगाया हुआ है। आपको ज़्यादा आटा लगाना है तो बस फिर से वही प्रोसेस करनी है, जितना आटा डालें उसका आधा पानी डाल दें और इसी तरह से मिक्स करते हुए आटा मिक्स करते हुए बाइंड होता जाएगा और आप उसे एक बड़ी थाली या परात में निकालते जाएं और बाद में उसे हल्का सा 1 मिनट के लिए मसल लें। और ये आपका बिना मेहनत के ही बहुत सारा आटा लग के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल चिकना आटा है। मैंने अभी इसे बिल्कुल भी नहीं मसला है, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दे और फिर बस इसे इस तरह से बाइंड कर ले रोटी बनाने से पहले। तो देखा ना फ्रेंड्स, कितना आसान है मिक्सी में आटा लगाना और मिक्सी इससे बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है, जैसा कि आपने वीडियो देखा। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।